पिछले क्लास मैंने आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में बताया था, उसमें कुछ सवाल बताया था, उसी तरह का और दे देते हैं, थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी कभी सवाल इस तरह के सवाल इम्तिहान में आते हैं। तो पहला तो सिंपल ही है, उसका एवरेज मास नंबर निकालो। क्वेश्चन नंबर टू में and that is equal to x calculate karoge इस दो तरह सवाल ये पिछले क्लास में बताए थे। तीसरे क्वेश्चन में दूसरे सवाल को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया है। दूसरे में जो ये वर्किंग है, दूसरे सवाल की इस वर्किंग को यहां भी ले लेते हैं। यानी एक्स परसेंट है,
तो अभी हमने एरर निकाला था, RN58 अब इसमें RN57 और डाले, ये 64% हो गए। अगर किसी मिक्सचर में कई कंपोनेंट्स हैं तो जिन कंपोनेंट को नहीं डालोगे उनके परसेंटेज का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। यहां हम लोग RN57 डाल रहे हैं, 56 और 58 तो डाल नहीं रहे हैं, इसलिए इनके परसेंटेज का रेशियो कांस्टेंट होगा। अब ये जो 100 माइनस 64 है, 36% में RN56 और RN58 दोनों हैं, इनका रेशियो होगा 7:11 का, तो RN56 हो जाएगा 36 × 7/18 14%। अब इससे हम इनका एवरेज मास नंबर निकाल लेंगे। तो सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे आया होगा 57.08। इस पर कई सवाल हो गए इस तरह के, यहां इस पॉइंट को ख्याल रखना। अगर किसी मिक्सचर में कई कंपोनेंट्स हो
तो जिन कंपोनेंट को ऐड नहीं करोगे उनके परसेंटेज का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्राइवेलेंट मेटल कैटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बोनेट है। मोर न्यूट्रॉन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ट्राइवेलेंट मेटल कैटायन, तो कार्बोनेट आयन पहले हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लिया है तो भी निगेटिव चार्ज है। दे हैव 32 इलेक्ट्रॉन्स। M3+ इसमें प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉनों से 20% ज्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा 42। और या मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो 20% ज्यादा है, यानी अगर 100 प्रोटॉन है तो 120 न्यूट्रॉन है, अगर 35 प्रोटॉन है तो 35 × 120/100 = 42। मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये 77 आया। इसको लगाओ, ठीक उसी तरह है।
वीडियो पॉज करके लगाओ, तब तक हम दूसरा सवाल लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, आपकी डाइवेलेंट मेटल कैटायन है, अब इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से 20% ज्यादा, जब प्रोटॉन की संख्या होगी 1 × ∫ (n)₂ आंसर हो गया। अब यहां देखो दूसरे क्वेश्चन में, जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं जो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम, राइटियम, प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, तो प्रोटियम से ड्यूटेरियम का 100% ज्यादा है, प्रोटियम से ट्राइटियम का 200% ज्यादा है, ड्यूटेरियम से ट्राइटियम का 50% ज्यादा है। औरम देखो, जैसे यूरेनियम है, अब यहां इसका इससे इसका चार ज्यादा है, कितना परसेंट हुआ? 1% के आसपास आ रहा है, इसलिए यहां आंसर क्या होगा? प्रोटियम। प्रोटियम की केस में
रिलेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा है प्रोटीन के केस में। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए डिफरेंट स्केल्स लाए गए। एटॉमिक मास डिटरमिनेशन के लिए शुरू में इन्होंने हाइड्रोजन स्केल बनाया, प्रोटियम स्केल, ऑक्सीजन स्केल बनाया, कार्बन 12 स्केल बनाया। हाइड्रोजन स्केल में इन्होंने मास ऑफ उन्होंने हाइड्रोजन एटम का प्रोटियम एटम का जो मास है वह 1 AMU अलॉट किया और इससे कंपेयर करके डिफरेंट एलिमेंट के मास एटॉमिक मास निकाले गए। जो एलिमेंट प्रोटियम एटम से जितने टाइम्स हेवियर था वही उसका एटॉमिक मास हो गया। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट मास ऑफ 1 प्रोटीन एटम। इससे एलिमेंट के एटॉमिक मास निकाले गए। लेकिन इस स्केल में ये प्रॉब्लम आई कि इन मोस्ट केसेस ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस वेयर फाउंड टू बी इन फ्रैक्शन, यानी कुछ वैल्यू आती थी इंटीग्रल वैल्यू और आगे डेसिमल में कुछ वैल्यू जरूर आती थी। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 15.88 AMU आया। ये इन मोस्ट केसेस ऑफ द एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस वर फाउंड टू बी इन फ्रैक्शंस।
जीरो 15 है इंटीग्रल नंबर है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। ज्यादातर लोगों ज्यादातर एलिमेंट्स में ऐसा ही पाया गया, इसलिए लोगों ने इस स्केल को बदल दिया और ऑक्सीजन स्केल आया। द मास ऑफ So one mu is 1 mu. इस स्केल पर जो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आया वन सिक्सटींथ मास ऑफ वन ऑक्सीजन 16 एटम। इस स्केल का एडवांटेज ये आया कि ज्यादातर एलिमेंट के एटॉमिक मासेस इंटीग्रल नंबर के फॉर्म में है। इन मोस्ट केसेस ऑफ द एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस आर फाउंड टू बी इंटीग्रल वैल्यू। इस स्केल से ये फायदा हुआ, लेकिन बाद में इनको प्योर ऑक्सीजन 16 नहीं मिल पा रहा था, उसमें ऑक्सीजन के डिफरेंट आइसोटोप्स रहते थे, उनको सेपरेट करना मुश्किल था। इसलिए फाइनली लोगों ने तय किया इस स्केल को बदला जाए और कार्बन 12 स्केल लाया गया। कार्बन 12 स्केल में मास ऑफ वन कार्बन 12 अब यहां एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट होगा मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 स्केल इट इज मॉडर्न स्केल ऑफ
मॉडर्न स्केल ऑफ एटॉमिक वेट्स। अब जैसे कार्बन 12 का एटॉमिक मास है, कार्बन 12 का एटॉमिक मास है 12 MeU पर एटम। अगर ग्राम कहेंगे तो 12 ग्राम पर मोल ऑफ एटम्स। ये ध्यान रखना है, अगर आप एमयू कहते हैं तो पर एटम कहना पड़ेगा, अगर एमयू कहते हैं पर एटम कहना पड़ेगा, और अगर ग्राम कहते हैं पर मोल ऑफ एटम करना पड़ेगा। तो कार्बन 12 के उसका 12 MeU है पर एटम। और 12 ग्राम है पर मोल ऑफ एटम्स। मास ऑफ और इसके एक एटम का मास है 12 MeU। सो 1 MeU इज इक्वल टू 1/ अवोगैड्रो नंबर। ये अवोगैड्रो नंबर है, अवोगैड्रो नंबर इज अवोगैड्रो नंबर दैट इक्वल टू 1 MeU को ग्राम में या ग्राम को एमयू में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो एटम्स न्यूट्रल होता है, किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे उतना नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए चार्जेस का अलजेब्रिक सम जीरो होता है और एटम न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स का निग्लेक्जिबल मास होता है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ गया या इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके मास को हम चेंज नहीं करें। ये देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, O2- का आयनिक मास
उतना ही रहेगा। जैसे एल्युमिनियम है, ट्वेंटी सेवन एमयू अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 27 ग्राम पर मोल ऑफ एटम है। इसी तरह वहां भी कर सकते हैं, 16 ग्राम पर मोल ऑफ एटम। पर मोल ऑफ आयन हो जाए। अब हमको एटॉमिक मास या आयनिक मास से मदद से डिफरेंट मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास से निकाल लेंगे और उनके मासेस ग्राम में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एमयू का ग्राम में कन्वर्जन हमें मालूम है। करेक्ट। तो जैसे हम आपसे पूछे कैलकुलेट द बोहर साल्ट डीडीटी
माइनस एम्पायर फर्स्ट। जो हम बोहर साल्ट का फॉर्मूला है अब यहां देखो आयरन 56, सल्फर 32, तो जाएगा 56 और इसे हम जोड़ लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, एमयू को यू भी कहते हैं, एमयू एटॉमिक मास यूनिट, इसे यू भी कहते हैं, यूनिफाइड मास। डीडीटी का स्ट्रक्चर है, जिसको फॉर्मूला नहीं आता रहेगा उसका गलत हो जाएगा। अब यहां गिनो कार्बन कितना है, कार्बन 1, 2, 6, 6, 12, 14, हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्लोरीन 3, 4, 5, अभी हो जाएगा 14 × 12, (9 × 1). यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, सॉल्व इट। वॉशिंग सोडा इट इज सिंपल, Na2CO3 NH2 सोडियम कार्बन ऑक्सीजन कुल 13 है, 3 और 10, और हाइड्रोजन कुल 20 है, 46, 12,
इतना एमयू पर मॉलिक्यूल या इतना ग्राम पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल। उसी तरह देखो ग्लोबल सॉल्ट है, सोडियम दो है, सल्फर एक, ऑक्सीजन फोर, साइक्लोहेक्सेनॉल है, कार्बन सिक्स है, हाइड्रोजन दो, चार, छह, आठ, दस, ग्यारह, बारह। मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट, इन दिस वे वी विल कैलकुलेट एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड आयनिक वेट, करेक्ट। ये इसका बेसिक्स था, ये सब अभी वही चल रहा है, धीरे धीरे इसमें जो सवाल है उसको करेंगे। तो जैसे आपको अगर दिया जाए
कैलकुलेट one molecule of सिल्वर का एटॉमिक मास 108 है, इसके एक एटम का मास हो जाएगा 108 एमयू। एमयू को ग्राम में करेंगे। इसी तरह देखो इसका आयनिक मास है 96, वेस्टर्न लाइट का फॉर्मूला है। इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। कार्बन 6 कार्बन रिंग में 7-8, हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, फिर से देख लो कार्बन 6, 7, 8, हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 1, तो 8 × 12 6, 4, 10, 19, 25, 3, 4, ये 30 हो गया, ये 100 हो गया, ये एमयू पर मॉलिक्यूल।
से ग्राम में कन्वर्ट कर दो। ग्राम पर मॉलिक्यूल इसको इतना करना है, फिर आगे बताएंगे आपको।